अरे भाई कब आ रहे हो, मेरा पौवा कब आएगा? और आप मुझे देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे एक बोतल मैंने चढ़ा दी है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। ज्यादा ना बोल, मैं मेरे पापा के बारे में बोला, बताओ ना ऋषभ पापा ने कभी आपको बोले? आप भाई तो बोले जरूरत नहीं है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बेस्ट होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और एकदम मस्त हूँ। तो गाइस, जैसा कि मैं आपके साथ रोज वीडियो शेयर कर रही हूँ, और आजकल आपको पता है मेकअप टिप्स पे चल रहा है। तो जैसा कि आपने मेरा ग्लो देख ही लिया है कल की वीडियो में, तो मेरा ग्लो देख के जो है मेरे पीछे मेरी देवरानी और मेरी जेठानी पड़ गई कि हमारा भी करो भाई, हमारा भी करो। तो अभी जो है दीदी का और मतलब जेठानी का और देवरानी का भी मेकअप किया जा रहा है, तो बने रही मेरे वीडियो में एंड तक, ठीक है? तो गाइज ये देखो, दो दिन से बीमार पड़ी हुई थी, लमसट होके लोशन लायक हो रखी थी, और आज जो है मेकअप भाई में, और आज जो है मेकअप कराने के लिए बिल्कुल तत्पर, पर लगा कर नहीं रही है मेरा मेकअप, क्या करें। हाय गाइज, मत देखे मुझे। अनिता ने ब्लॉगिंग के साथ साथ पार्लर का भी कर दिया क्या? सच्ची भैया, आज तो मैं ग्लो कर रही हूँ भाई, मेरा घरेलू नुस्खा काम आ गया भाई। गॉड, आपकी लाइट कर रही हूँ, लाइट का कमाल है, लाइट का। नहीं तो आप भी तो गोरे लग रहे हैं, देखो जरा ये देखो, इनका भी मैंने मेकअप किया था। आप भी कैमरे में आ जाए, ये आज तो सब ग्लो कर रहे हैं भाई, ग्लो। तो गाइज नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग। तो आज का वीडियो मैं अभी से शुरू कर रही हूँ, और अभी हो रही है शाम की 5, और यहाँ पर देख सकते हो आप निधि की जो है करेले की भुजी कट रही है, और वहाँ जो पापा अपना ठर्रा लेके आ गए हैं मालदेवता से। पापा को आफत आ गई थी क्योंकि हम जा रखे थे रायपुर, और पापा ने हमें फोन पे अरे भाई कब आ रहे हो, मेरा पौवा कब आएगा? ये देखो पापा जी, हाय बोल दो जरा, ऐसे बोल दो हाय गाइज, बोलो ना। कौन है क्या? फोन में कुछ ऐसे बोलो, हाय गाइस, कैमरा है, फोटो की जरिए ऐसे बोलो हाय गाइस। अरे बोलो ना। अब बोल पापा जी, कौन है? पापा जी बोल रहे हैं कौन है, हाय गाइस करो ना वहां से। हाय गाइस, गाइस बोलो, कैसी हो, कैसे हो, राइज बोलो, राइज। तो पापा जी जो है बहुत इंतजार कर रहे थे हमारा कि हम कब गाड़ी लेके आएंगे और कब मैं मालदेवता जाऊंगा। खराब हो रहा है तो। आप क्या करने के लिए गए थे पापा जी? आप क्या करने के लिए गए थे? दवाई लेने बोला, जीवन दान, दो बूंद जिंदगी की। बताओ सब्जी लेने कहाँ है? सब्जी अंदर। तो पापा जी इतनी आफत आएगी थी, हम रायपुर गए थे तो पापा जी ने इतनी देर में आफत मचा दी। अरे कि मैं अपना सामान कदे लो, अपनी जीवन क्या बोला, दो बूंद नहीं नहीं वो क्या होती है, डाबर लाल गुट्टी ना, अपनी डाबर लाल गुट्टी लेने कब जाऊंगा। तो पापा जो अपना गुट्टी लेके आ गए, रख दिया आपने, हमने सामान रख दी, कहाँ है खरवा, कहाँ है आपका? और देखो ऐसे छुपा रखा होगा वहाँ पैंट की जेबों में। तो गाइस अभी जो है निधि की सब्जी कट रही है, और मैं जो है घायल व्यक्ति, घायल महिला, जो हमारे घर में आजकल बहुत बुरी तरह से घायल हो रखी है, दो दिन से बिस्तर में लोशन लायक हो रखी थी, आज जो है थोड़ा उठ चुकी है, और हमारे उठते ही बैठी हुई है। उठते ही इन्होंने सबसे पहले अपना क्लीन अप कराया मेरे से। मैंने व्लॉगिंग के साथ साथ पार्लर का भी कर लिया है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अन्नी भंडारी व्लॉग से, अगर आपको क्लीन अप कराना है घरेलू। कितने कीड़े हो रहे हैं, तो अभी जो है मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे यहाँ बहुत फायदा है, पर वीडियो देखना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एक शर्त है, आपको अन्नी भंडारी ब्लॉग्स को सर्च करना होगा, और उसको सब्सक्राइब करना होगा, और मेरे वीडियो को पूरा देखना, पूरा वॉच करना होगा। ठीक है गाइस, तो अभी जो है दीदी की मेहंदी लगा रही हूँ, ये है हमारी कीप, और श्रेयसी जो है लाइन लगा के बैठी है यहाँ पर कि मेरे कब मेहंदी लगेगी, और वहां से अभी भी जो है एक कीप लेके बैठा है कि मम्मी मेरे भी मेहंदी लगाओ, और अभी जो है दीदी के मैंने स्टार्ट कर दिए, ये देख सकते हो आप, ये देखो गाइस, अब मेरा डिजाइन बहुत सुंदर बन रहा है, वाह, गोबर की तरह। आफ्टर ऑल मैं एक मल्टी टैलेंटेड महिला हूँ। मल्टी टैलेंटेड नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं।
अच्छा मेरे अंदर देखो कितना टैलेंट है, मेहंदी लगाने का टैलेंट है, क्लीन अप बिल्कुल भी नहीं टैलेंट है, क्लीन अप मैंने घर में आप लोगों का किया, तो दगड़ियों आपने देख ही लिया है मुझे कितना कुछ आता है। तो मेरे टैलेंट को सपोर्ट करना और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो वीडियो में बने रहना, अब मेरा मेहंदी का डिजाइन बन रहा है मस्त वाला, ठीक है गाइस? मैं मुंह में पोंछ दूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं मेहंदी। हाथ में रखिए, मम्मी को दे देना, ठीक है? और क्योंकि करवा चौथ की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं, आपने देख ही लिया, एक हफ्ते से हम बिल्कुल बर्बाद हो रखे हैं करवा चौथ के चक्कर में, रोज बाजार खाजा नहीं, इस बार रोज बाजार, एक महीने हो गए तो कर रहे हैं पर पैसे भी वैसे खत्म कर रहे हैं। तो गाइस इस बार जो है हमारा करवा चौथ, इस बार से एक हफ्ते से वह पिछले करवा चौथ जो होने वाला है साल, एक महीने पहले, एक महीने पहले, तो इस बार जो है हम बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं। ये देखो आप बाल खोपड़ी यहाँ से इतनी इतनी गंजी हो चुकी है, ये देखो चिची के खराब कहता है, तो मतलब हमारा करवा चौथ हमें बहुत भारी पड़ जाता है। रोज बाजार कहा जा नहीं बोला, बाजार कहा जा नहीं, बाजार क्या लाए बोला, कुछ नहीं, गए था कहा कखी नहीं, लाए क्या है कुछ नहीं, तो गए की था स्टॉप सेव मैंने क्या बोल रही फोन करा कोई मुझे कंपनी वाले, तो जियो स्पैम कंपनी रिचार्ज का मुझे फोन आ रहा है लेकिन मैं नहीं उठाऊंगी, मैं कट कर दूंगी, ठीक है? क्या बताओ, बोलेगा नहीं पर करेगा नहीं क्या? अरे कट जाना भाई, बुला तो गाइस अभी जो है मेहंदी लगाते हैं, तब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है? जाना मत कहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं भाई, मेरे से ना लाइन सीधी नहीं खींची जा रही है, गणित में मैं बहुत कमजोर थी शुरू से ही, क्योंकि ठीक है दोस्तों मुझे लगता है मुझे ना ये भर दूंगी, उंगलियों में नहीं आता मुझे डिजाइन। तो गाइस मेहंदी लगाते लगाते हो गया है अंधेरा, मेरे कौन लगाएगा यार एक हाथ में, मुझे वही टेंशन हो रही है, मैं अपने लगा के लाती ना तो ठीक था, पता तो मैं नीचे लगा रही थी, वो ये सारी मैंने लगाई गाइस, देख सकते हो आप मल्टी टैलेंटेड अनीता भंडारी को, मल्टी टैलेंटेड अन्नी भंडारी को, और आप मुझे देख सकते हो ऐसा लग रहा है जैसे एक बोतल मैंने चढ़ा दी है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। सुबेर पता है आज मैंने कत्ती काम करे, कितना काम किया आज इनके चेहरे में, आप ग्लो नहीं देख रहे, ग्लो दिखाओ, आ रहा ग्लो, ग्लो नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा, बोलना ही पड़ेगा, आ रहा भाई ग्लो देख लो, मैंने तीनों के दोनों के फेशियल करा, नहीं क्लीन अप घरेलू क्लीन अप, फिर मैं गई रायपुर सामान सुमन लाए, ओहो मैं तुमसे फल मंगाना भूल ही गई। तो गाइस अभी हम मेहंदी लगा रहे हैं, दीदी के मैंने दोनों हाथ चेप दिए, अब निधि के बचे मेरे हाथ में, को लगा लो, टेंशन होएगी मैं कि मेरे हाथ पर को लगा लो, छोरो कोई फ्री छत आई जान, झंडा का बीच में नहीं जानो, अशोक गिड़ी गिड़ी बड़े अशोक चक्र क्या, अभी डिजाइन बना लो भाई, क्या मैं खुद लगाऊंगी अपने, ठीक है? नहीं नहीं अलग वाला मत लगाना, अच्छा लग रहा है, बना दिया हंस मत, मुझे मत हंसाया, बड़े मुझसे बड़ा नहीं गया बाजू ना मैं मित्रा, तेरे पता नहीं दूध देवड़ी घायल घायल महिला हुआ, अब दीदी अभी ठीक है तो देव बोलेगी ओ ये खा के जोश आ गया, नहीं खाई नहीं खा लिया, मैं खा लो के बाद तभी ठीक हो जाएगी, मैं खाना दोबारा खाऊंगी, रोटियां बची भी दूंगी, देखिए सुन ले मैं बता, साल भर में भूल जाती है पता है, जाए तू रोटी बनाओ जा, साल भर में हां साल में गाले दी ना भी मां कसम दाई करेंगे भी 12 बजे पहले करेंगे, सही बोल रहे हो तो भूल नहीं, इतना बदतमीज औरत ना इतनी बोलेगी थैंक यू दीदी, मैंने ये लिखा मैं अपने कहीं बढ़िया व्हील चक्र में इतना घिमसान है, तिल्ली तिल्ली होगी, 24 का मतलब 48 तिल्ली होगी, अरे अशोक चक्र नहीं है चक्र, फिर मुझे पता फिर मैं मन ही नहीं करता खाने का, ये कैसा व्रत है, हाँ ये जो बोलते हैं की बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है, मुझे अपनी की नहीं है अपने बच्चों की है,
दो दिन भी खाए थे, दो दिन दूध दूध पिया ना उसने आपका, तो मैंने जूस वगैरह पिया ना, वो कल को जूस खाना पीऊंगी। नो मोर आर्गुमेंट। दीदी आप इसकी मेहंदी खराब कर दो। मम्मी जी बोली कुंपल क्या हुआ? कुंपल नहीं होते कद्दू के, कद्दू के। अच्छा वो कली बोल रहे कद्दू की कली होती है, कुंपल देख लेगी। पर मम्मी जी बोली तुमने आरती के हाथ में इतने टाइम क्यों लगाया बोला। मैंने दूध भी नहीं, मम्मी मुझे गौर कर दी इतनी देर में। भाई साहब चक्कर के कांटे उठ चुके हैं और घुबरे वाले कोई जरूरत नहीं है तुम्हें व्रत रखने की। मैं जूस लाता कटली में तो पड़ गया वो देखिया। मेरी जान आरू 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 खा ले भाई देख अम्मू मेरी ज्यादा मेरे पापा के बारे में बोला। बताओ ना ऋषभपा ने कभी आपको मेरी जान आरू बोले? आप भाई तो बोले मेरी जान आरू जरूरत नहीं।